एबीपीएस न्यूज़, एबीपीएस न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित रहदरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। लगभग 2800 की आबादी व 1300 वोटरों द्वारा करण सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में 550 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 134 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 11 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 2 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान करण सिंह, ब्लॉक गजरोला, जिला अमरोहा का रहने वाला। मेरे गाँव की कुछ मूलभूत समस्याएं है। प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय एक साथ चल रहा है, एक जगह पर दो खंडर में खड़े हुए हैं। बार बार प्रस्ताव देने के बाद भी वो भी नहीं कर रहे हैं, जिससे वहाँ खेल का मैदान भी कम है और बच्चों को किसी समय भी कोई दुर्घटना होने का खतरा है। दूसरा, प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में वहाँ ग्राउंड में टेंस चारों तरफ बाउंड्री वाल नहीं है। 200 मीटर बाउंड्री वाल की डिमांड कर रखी है, लेकिन आज तक नहीं। 300 मीटर का कच्चा रास्ता जो गांव से प्राइमरी विद्यालय तक जाता है वो बिल्कुल कच्चा है, उसकी बार बार डिमांड करी जा रही है, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा। ग्राम पंचायत पे इतना पैसा नहीं आ पा रहा जो वहाँ भी करा दे और गांव के भी कच्चे रास्ते में। आवास की बहुत बड़ी समस्या है, हैंडपंप की समस्या है, ना हैंडपंप मिले हैं हमारे टाइम में, ना आवास मिल पाए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास आवास नहीं है, बार बार डिमांड की जाती है परंतु नहीं मिल पा रहे। हैंडपम्प लगभग 7 या 8 हैंडपम्पों की तो बहुत ज़रूरत है, परंतु उसके बाद भी एक भी हैंडपम्प हमें नहीं मिल पाया है। जो थे उनमें अगर कोई ख़राब हो जाता तो एक आध का रिपोर हमने कराया है, बाकी 7-8 हैंडपम्प हैं वही काम कर रहे हैं, जो वो देव स्थानों पर लगे। बारात घर हमारे यहाँ नहीं है, पंचायत घर हमारे यहाँ नहीं है, डिमांड की गई है लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। इंदिरा जो पेंशन चल रही थी पहले से, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनमें इतनी भारी कटौती कर दी गई है कि कुछ ही चुनिंदे लोगों की रह गई है, बाकी सब काट दी गई। ना विधवा पेंशन बन पा रही है, ना वृद्धा पेंशन बन पाई है, और विकलांग भी अभी कुछ की है कुछ वंचित रह गई। शौचालय का पैसा पहले से कभी नहीं आया, बार बार डिमांड करते रहे, अब 50 शौचालय का पैसा आया वो बनवा दिए, 200 शौचालय का पैसा और हमें स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो लाभार्थी के खाते में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। एक माह से डिमांड पड़ी है बैंक में, लेकिन बैंक वाले बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, और उन्होंने एक माह से वो पूरा पैसा अपने यहाँ रोक रखा है, वो लाभार्थी के खाते में पैसा ही ट्रांसफर नहीं किया।